उत्तर प्रदेश उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सपा और कांग्रेस के बीच का तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ यूपी में कांग्रेस ने उपचुनाव का मैदान सपा के लिए खाली कर दिया, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सपा के मंसूबों पर ऐसा दाव चला कि अखिलेश यादव को अपना सियासी खेल फिर से सोचना पड़ रहा है। यूपी में कांग्रेस के मैदान छोड़ने के पीछे उम्मीद थी कि सपा भी बदले में कुछ सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देगी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी शर्तों पर ही यूपी में गठबंधन का खेल खेला। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सपा को सीट शेयरिंग के मामले में झटका दे दिया। हमारी पहली कोशिश तो गठबंधन में बने रहने की है, लेकिन अगर हमें गठबंधन से बाहर किया जाएगा तो हम वही चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी पार्टी का संगठन मजबूत होगा, ये अखिलेश यादव का कहना है। दरअसल यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा के लिए मैदान छोड़ा था, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें तब टूट गई जब सपा ने कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं दी। अब कांग्रेस ने इसका जवाब महाराष्ट्र में सपा को दो सीटों की पेशकश देकर दिया, वो भी वहां जहां सपा के मौजूदा विधायक हैं। महाराष्ट्र में सपा ने 12 सीटों की मांग की थी और 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिससे सपा की रणनीति कमजोर पड़ गई है। सपा के उम्मीदवार फहाद अहमद ने अखिलेश यादव की रणनीति से असंतुष्ट होकर एनसीपी का दामन थाम लिया और अश्रु शक्ति नगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी तरह कांग्रेस से जुड़े नवाब मलिक ने सपा के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यूपी में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा के बीच सीटों पर सहमति न बन पाने का वजह यह है कि दोनों पार्टियों का सियासी आधार एक ही है। यही वजह है कि दोनों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि सपा उसे यूपी में सम्मानजनक सीटें दे, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को यूपी में बहुत ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है। अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस को फूलपुर सीट ऑफर की थी, लेकिन कांग्रेस को लगा कि ये सीट उसके हिसाब से मुफीद नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने इस ऑफर को टुकरा दिया। वही अखिलेश यादव चाहते हैं कि सपा यूपी में अपना दबदबा बनाए रखे और यूपी की सीटों पर ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जानबूझकर सपा को ज्यादा सीटें देने से इनकार किया। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का मुद्दा आखिरी समय तक लटकाए रखा ताकि सपा को कोई निर्णय लेने में परेशानी हो। इससे साफ है कि कांग्रेस और सपा के बीच के सियासी रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूपी और महाराष्ट्र में हुई सियासी तनातनी का असर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकता पर पड़ेगा, या फिर ये पार्टियां अपने मतभेद भुला कर एकजुट रह पाएंगी। इस दिलचस्प सियासी घटनाक्रम पर बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।